सारिका जी, अमित शाह के दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अमित शाह जी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई दौरे किए थे, देशव्यापी दौरे जब चुनाव होते हैं तो अमित शाह जी के होते हैं, चुनावी जुमले भी अमित शाह जी के द्वारा गढ़े जाते हैं, या कहो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी चुनावी जुमले भी गढ़े जाते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद कह भी दिया जाता है कि अरे वो वादे तो वादे थोड़े थे, वो तो चुनावी स्टंट था, जुमला था। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 2024 में बिहार में लोकसभा की चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि ये डगर जो है उनके लिए कठिन ही नहीं नामुमकिन है। बिहार की जनता की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखी की कई मामलों में, देखिए कल अमित शाह जी आए हैं बिहार में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हम सब जानते हैं कि तीन महत्वपूर्ण मांग जो उन्होंने अमित शाह जी के समक्ष रखी है, क्योंकि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार के हिस्सा थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जब सरकार से बाहर निकले तो वो इस बात को उन्होंने रफा दफा कर दिया, और पुनः आज जब देश के गृह मंत्री जब बिहार पधारे तो बिहार के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, उनसे निवेदन किया, अपने हक की मांग की, उन्होंने बिहार वासियों के हक की मांग की, उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दूसरी बात थी कि जाति आधारित गणना, जिसकी कि अभी अमित शाह जी भी कह रहे थे कि हम भी उसके समर्थन में थे, अगर समर्थन में थे तो भाई 10 सदस्यीय टीम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली भी गई थी, और उन्होंने कहा भी था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी, और बाद में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे जाति आधारित गणना बिहार में कराया, हम सब जानते हैं, और उस दौरान कितनी सारी कोर्ट और कचहरी के मामले भी हुए हम सब जानते हैं, और किनके द्वारा हुए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा कई रिट दायर किए गए कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना को रोकी जा सके। तो आज बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई, अपने दम पे करवाई, उसका डाटा भी आज सबके सामने है, और 75% आरक्षण उस जाति आधारित गणना के आधार पे बढ़ाई भी गई, और इस 75% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की आग्रह भी की गई। अगर वाकई में अमित शाह जी कहते हैं कि जाति आधारित गणना के समर्थन में वो थे, तो आज उनको इस विषय पे भी जरूर बोलना चाहिए कि क्या वो इस 75% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालेंगे या नहीं जाएंगे। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आता है, और हम सब जानते हैं कि हमारे बिहार बॉर्डर से ही सटा हुआ इलाका नेपाल का बॉर्डर आता है, जहां से कि जब पानी छोड़ा जाता है तो नेपाल और बिहार के कई जो किनारे के जो जगह है वो बाढ़ में डूब जाती है, बहुत जान माल और क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां, चूंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस से ही ये हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी मांग की कि वहां पे एक डैम बनाया जाए। तो अब देखना ये है कि ये तीन मांगे, महत्वपूर्ण मांगे अमित शाह जी के पास रखी गई, और अमित शाह जी पुनः इन विषयों पर क्या बोलेंगे। लेकिन देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अमित शाह जी दौरे दौरे करते हैं, लेकिन इन दौरों का क्या दौर होगा ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं कि 2024 की जो लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अब उनके पास एजेंडा नहीं है असल में, अब वो किन एजेंडों पर लड़ाई लड़ेंगे। अब तो बिहार जो है बार बार पूछता है कि रोजगार के मुद्दे रहे हो या विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा, और आज इतनी महत्वपूर्ण सरकार बिहार सरकार के द्वारा लिया गया फैसला 75% की आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसको भी आप 9वीं अनुसूची में नहीं डालकर, तो ये सारे जो मुखौटे हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार की जनता के समक्ष आ गई है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को विशेष राजनीतिक लाभ या 2024 के अगर वो सोच लेकर के अगर बिहार के दौरे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा उनको होने वाला है। बिहार की जनता बड़ी सयानी है, समझ गई है कि ये लोग ठगने वाले लोग हैं, जुमले करने वाले लोग आएंगे, ऐसी कहते ना साइबेरियन पक्षी जैसे आती है प्रवासियों की तरह अपने शहर को छोड़ के दूसरे के शहर में दाना खाना पानी और मछली, मतलब दावत उड़ाने के लिए चुनावी माहौल में, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है बिहार की धरती पे उनका आवागमन होता रहेगा, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि ये वो लोग हैं जो छलने आए हैं, ठगने आए हैं, और बिहार की जनता समझ गई है 2024 में इनको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा।